दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी गर्मी पड़ रही है जिससे लोगों का बहुत बुरा हाल है। सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडल ईस्ट से। सऊदी अरब में मक्का की धार्मिक हाजी यात्रा कर रहे करीबन 550 श्रद्धालुओं की हीट वेव के चलते जान चली गई। बता दें कि सऊदी अरब का टेम्परेचर दिन में 47 डिग्री तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। 2700 से भी ज्यादा लोग हीट के कारण इलनेस से सफर कर रहे हैं। हज की यात्रा में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रॉफिट मोहम्मद के लिए धार्मिक आस्था रख यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस बीते सोमवार को मक्का का टेम्परेचर 51.8 डिग्री तक दर्ज किया गया था। सऊदी मिनिस्ट्री ने श्रद्धालुओं को सचेत किया है कि खुद को हाइड्रेट रखें और पीक हीट आवर्स यानी कि 11 से 3 के बीच बाहर निकलने से बचें। हालांकि अथॉरिटी बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं के लिए कैंप्स, पानी का इंतजाम कर रही है और मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। श्रद्धालु अम्ब्रेला और अपने सिर कपड़े से ढक कर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। इवन की हमारे भारत से भी केरल राज्य से गए 13 लोगों की यात्रा में डेथ हो गई, जिसकी पुष्टि लोकल ऑफिशियल सत्यापलन सी ने की है। मिडल ईस्ट से सफर करने वाले श्रद्धालु जैसे जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की, ट्यूनेशिया जैसे मुस्लिम कंट्रीज के श्रद्धालुओं की संख्या मरने वालों में सबसे ज्यादा है।